हूं साहिबा। खबरों की शुरुआत करते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत दौरे के दौरान आज अमृतसर में श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने पहुंचे। गुरु रामदास एयरपोर्ट पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू तथा अन्य ने स्वागत किया। कनाडा दूतावास की गाड़ियों के साथ जिला पुलिस की गाड़ियों का एक लंबा काफिला एयरपोर्ट से श्री हरमंदिर साहिब पहुंचा। कनाडा के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जहां जिला पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, वहीं भारत की सुरक्षा एजेंसियां व खुफिया तंत्र पूरी तरह से चौकसी रखे हुए हैं। स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के बाद ट्रूडो ने विजिटर्स बुक में अपने विचार लिखे और अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने लिखा, इतने सुंदर और सार्थक जगह पर हमें इतना सम्मान मिला जिसे हम अनुग्रहित और विनम्र महसूस कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब के अन्य हिस्सों का अवलोकन भी किया। वे लंगर भवन गए जहां लंगर प्रसाद ग्रहण किया, साथ ही वहां लंगर बनाने की सेवा भी निभाई। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कुर्ता व पायजामा पहन रखा था। उनकी पत्नी सोफी और बेटी जेवियर ने पंजाबी सूट पहना हुआ था। जहां वे जा रहे थे वहीं लोगों को हाथ जोड़ निम्रता दिखा रहे थे। जस्टिन ट्रूडो के स्वागत में श्रोमणि अकाली दल अमृतसर के सदस्यों ने जो बोले सो निहाल के जयकारे लगाए। जस्टिन ट्रूडो के श्री दरबार साहिब आगमन से पहले पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, पूर्व मंत्री तोता सिंह दरबार साहिब के सूचना केंद्र पहुंचे। ट्रूडो के आने से पहले कनाडा का मीडिया भी दरबार साहिब पहुंचा हुआ था। जस्टिन ट्रूडो श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने वाले कनाडा के तीसरे प्रधानमंत्री है। इससे पहले 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री जीन क्रिटीन व 2013 में स्टीफन हार्पर श्री दरबार साहिब में शीश निवा चुके हैं। एसजीपीसी प्रधान गोविंद सिंह लोंगोवाल और अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल दोनों एक साथ उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद रहे, जहां उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को स्मृति चिन्ह के साथ साथ सिरी साहिब भी भेंट की। इस दौरान स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू तथा सुखबीर बादल एक साथ खड़े दिखाई दिए। इससे पहले प्रधानमंत्री ट्रूडो के निजी सुरक्षा अमले ने दो बार श्री दरबार साहिब के इर्द गिर्द व आंतरिक सुरक्षा प्रबंधों का बारीकी से जायजा लिया। उनके साथ प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल अधिकारियों की टीम भी थी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जी अपने परिवार समेत ते नाल उन्हां दे मंत्री ते एमपी सन एक बड़े वफद दे नाल ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤੇ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਪਾਉ ਪਾ ਕੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਪਾਉ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਪਾਉ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਪਾਉ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਬੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਔਰ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣ। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ मुलाकात के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खालिस्तान का मुद्दा उठाया। इस मौके उन्होंने साथ रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद कैप्टन ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि पंजाब में अलगाववादी ताकतों को उत्साहित करने के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही है और फंडिंग करने वालों में कनाडा के गर्म ख्याली भी शामिल है।
कैप्टन ने कहा कि ट्रूडो ने उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया है। पंजाब में हुई हिंदू नेताओं की हत्याओं पर एनआईए की तरफ से जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि पंजाब में अलगाववादी ताकतों को विदेशों से फंडिंग हो रही है। खालिस्तानी समर्थकों को फंड देने में यूके, अमेरिका के अलावा कनाडा के गरम ख्याली और खालिस्तानी समर्थक भी सहयोग कर रहे हैं। बता दें कि सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो के साथ हुई मुलाकात दौरान भी खालिस्तान का मुद्दा उठाया था। जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट में 4 सिख मंत्री शामिल हैं और इनमें से हरजीत सिंह सज्जन पर खालिस्तानियों प्रति नरम रवैया अपनाने के आरोप लगते रहे हैं। कैप्टन सिंह ने हरजीत सज्जन पर खालिस्तान का आरोप लगाकर ही उनके साथ मुलाकात करने से इनकार किया था। जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालसा डे परेड दौरान गरम ख्यालियों के मंच पर जाना भी भारत में मुद्दा बन गया था। एंड ही हैज ऑन द इश्यूज ऑफ ट्रेड इन द इश्यूज ऑफ कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड इन द सर्विस सेक्टर एंड ऑल इज वेरी पॉजिटिव एंड आई एम श्योर इन ड्यू कोर्स ही इज विलिंग टू वर्क विद पंजाब थ्रू हिज कंपनीज एंड समबडी इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक्सेट्रा। So I think it's gone off very well, and I'm very, very pleased. And I met the Prime Minister for the first time, and I think he's a very wonderful person, and it's made me feel very good. I raised the issue of Khalistan because that is our primary issue. There is money coming from various countries, including Canada, to Punjab to create this ruckus, and the Prime Minister is aware of it, and he's told me that he's going to look into this, and they will. They believe in a united India and they will not allow anything to go which will come between us. आप जी देख रहे हो पटियाला टीवी। पटियाला टीवी जोड़े आप जी ने सोने पंजाब ते देश नाल। हमेशा देखते रहो पटियाला टीवी।